हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ पाव भाजी। तब पाव भाजी में क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता दूँ। आलू, आलू मैंने 4-5 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। प्याज जो मैंने रफली चॉप कर लिया है। गाजर, इसको भी मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया है। हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर, इन सबको हमने रफली चॉप कर लिया है। ये हमारा भाजी का, और ये हमारा तड़का। तड़के के लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज, और जो इस और ये हमारे सूखे मसाले सब, कसूरी मेथी, पाव भाजी मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, जीरा और नमक, और ये मटर, ये सभी चीज़ें हमारी पाव भाजी में लगेगी। और जो कुछ हमारा अभी रह गया है वो हम आपको बाद में बता देंगे बनाते समय, ठीक है। चलिए हम बनाना चालू करते हैं और इसमें पाव लगेंगे, ठीक है। चलिए हम आपको बनाना दिखाते हैं। चलिए हम इसमें कुकर में थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। इसमें अभी हम मक्खन नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ तेल से ही इसको भगा लेंगे। तेल हो गया, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। अब इसमें डालेंगे हम आलू। आप इसमें चुकंदर भी डाल सकते हैं, उसका कलर बहुत अच्छा होता है। मेरे पास था नहीं चुकंदर, इसलिए मैंने डाल ही नहीं है। इसको थोड़ा सा आलू को भूज लेंगे। आलू हमारे भून गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे हमारा प्याज जो हमने रफली चॉप करके रखा था, इसी में डालेंगे गाजर, इसको अच्छे से चलाएंगे। अब डाल देंगे हम इसमें अपना टमाटर। पहले हल्दी डाल दें, उसको टमाटर डालेंगे। इसमें हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे क्या होगा कि इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा, और ये हल्दी और जो कसूरी लाल मिर्च डाली है इसका कलर अच्छा देगी। ऐसे हम डाल देंगे हमारे टमाटर। और इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दें। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दें। सारी सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि पानी के बगैर तो ये पकेगा नहीं, इसको हमको उबालना है।
ये मैंने पानी डाल दिया है, इसको अच्छे से दो सीटी में अच्छा पक जाएगा ये। चलिए हम सीटी लगा देते हैं, अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं कुकर का। मटर तो हमारे रह गए, मटर हम इसमें डाल देते हैं ऊपर से, क्योंकि हमको सबको उबालना तो है। सभी सब्जियां डल गई इसमें, अब हम इसको कुकर को ढक्कन लगा देते हैं और अब इसको हम दो सीटी में अच्छा पक जाएगा। चलिए तब तक हम अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने मक्खन डाल दिया है इसमें, मक्खन को ज़्यादा डालना है इसके अंदर। अब ये जले ना इसे, थोड़ा सा इसमें तेल भी डाल देते हैं। और इसको हमको ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, हमको ठंडे में ही इसमें सारी चीज़ें डालना है। ये हम इसमें प्याज डालेंगे, ये मक्खन जब ठंडा हो तभी इनको डालना है। इससे क्या होता है कि जो हमारी ये सब्जियां जो डाल रहे हैं तड़के के लिए, इनका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है और उसमें पूरा मक्खन का टेस्ट आता है। प्याज, शिमला मिर्च तो थोड़ा सा भून जाने को फिर हम टमाटर, हमारी शिमला मिर्च और प्याज पक रही है। बस पक जाए फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। इसको चला देंगे, इसके साथ में ही भून जाएगा। पहले से डाल दो तो सारा चिपक जाता है, इसलिए पहले से ही डालते अदरक लहसुन। ये मैं अपने घर में 5-6 लोगों के लिए बना रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे सारे मसाले। ये हमारी कसूरी मेथी, ये डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला, हल्दी पाउडर। सारे मसाले हमारे डल गए इसमें, थोड़ा सा भून जाए, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैं नमक डाल दी हूँ इसमें, हम उसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल दो, अब इसको हम ढक के रखें थोड़ा सा पकने के लिए। ये देखिए हमारी सारी सब्जियां गल गई हैं अच्छे से। ये देखिए सारी सब्जियां अच्छे से गल गई हैं। अब हमारा जो तड़का तैयार हुआ है उसमें हम इसको डालेंगे। ये देखिए हमारा तड़का ही रेडी हो गया, तेल छोड़ दिया पूरा। देखिए चलिए अब इसमें हम डालेंगे हमारा जो सब्जियां गल गई सबको इसमें डाल देंगे। हम इसी में मसल लेंगे, उसको हमने पहले से नहीं मसला है। ये देखिए हमने अच्छे से मसल लिया है इसको,
पाव भाजी को। थोड़ा पानी भी डाली हूँ इसमें, क्योंकि पानी फिर ज़रूरी है, नहीं तो बहुत गाढ़ी रहेगी, फिर पाव भाजी कैसे, भाजी कैसे लगेगी कि भाजी है। ये देखिए अच्छे से मसल दीजिए इसको ऐसे। अब इसमें हम डालेंगे हमारा नींबू ऊपर से, अब इसको फिर पकने देंगे। ये मैंने दो नींबू का रस इसमें डाला है। ये देखिए मैंने नींबू का रस डाल दिया, अब इसको मिक्स कर देंगे। धनिया भी डाल दें इसमें। से कसूरी मेथी भी डाल दो इसमें, और जो हमारा थोड़ा सा मसाला बचा था पाव भाजी का वो डाल देते हैं। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं उसमें, तो अब नमक हम नहीं डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। ये देखिए अच्छे से मसल गई है। अब हम इसमें अपने पाव को रेडी करते हैं। मैंने मक्खन डाल दिया है इसमें, हम अब थोड़ा सा हमारा पाव भाजी मसाला डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। ये मैंने ब्रेड काट के रख लिए हैं ऐसे, अब इनको हम इसमें ऐसे डालेंगे। ये देखिए इनको ऐसे सेक लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये देखिए से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए इस तरीके से इनको मैंने सेक लिया है। ये देखिए मेरी पाव भाजी बनके तैयार हो गई है। इसको मैंने ये लाल चटनी, पाव भाजी और ऊपर से मक्खन डाला है, और ये हमारे पाव। अब आप देखकर बताइए कि कैसा बना है, और सबको खिलाइए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।